वेलकम टू गीतांजलिस किचन। आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी उबला हुआ चावल, एक कटोरी कटी हुई फ्रेंच बीन्स, एक कटोरी कटा हुआ स्प्रिंग ओनियन, एक कटोरी कटी हुई पत्ता गोभी, एक कटोरी कटा हुआ गाजर, एक कटोरी कटा हुई शिमला मिर्च, एक बड़ा कटा हुआ प्याज, 5-6 कटे हुए लहसुन, एक बड़ा इंच अदरक का कटा हुआ टुकड़ा, 4-5 कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच डार्क सोया सॉस, 2 चम्मच शेजवान चटनी, नमक स्वाद अनुसार और तेल। कढ़ाई को गरम करके उसमें 3 चम्मच तेल डालें। फिर उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डालकर इसे 2 मिनट तक भून लें। फिर इसमें सारी सब्जियां डालें। फ्राइड राइस बनाते समय आंच को तेज ही रखिए। अब स्वाद अनुसार नमक डालिए। सब्जियों को ज्यादा मत पकाइए, इसे क्रंची ही रखिए। अब इसमें चावल, सोया सॉस और शेजवान चटनी डालकर मिक्स कीजिए। फ्राइड राइस को सर्विंग बाउल में निकालकर इसे स्प्रिंग ओनियन से गार्निश कीजिए। तैयार है वेज फ्राइड राइस।